हाय फ्रेंड्स, आपको ऑफ सीजन में भी ड्रमस्टिक अवेलेबल हो और उसे स्टोर करके उसके बेनिफिट्स के बारे में हम आपको इस रेसिपी में बताऊंगी। तो चलिए हम आगे देखते हैं कैसे स्टोर करें हम ड्रमस्टिक्स को। तो मैंने ये ड्रमस्टिक अच्छी तरह से उसकी स्किन निकाल के पीसेस करके अच्छी तरह से धो लिए है। तो हम सारी ड्रमस्टिक को धो लेंगे और ड्रेन कर देंगे। तो मैंने एक तपेली में पानी लिया है और उसको उबालने के लिए रख दिया है। अब हम उसमें सारी ड्रमस्टिक धीरे धीरे डाल देंगे और उसको उबालेंगे। उबालते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि सारी ड्रमस्टिक पानी में डूबी हुए, ना कि आधी बाहर और आधी अंदर। ऐसा हो तो उबालते समय आप बीच बीच में पलटाते रहिए ताकि ड्रमस्टिक अच्छी तरह से उबल जाए। अभी हमें ड्रमस्टिक को ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ हाफ कुक करना है। दूसरी ओर हम एक पतीले में पानी लेकर उसमें बर्फ डाल देंगे ताकि हमें चिल्ड वाटर मिले। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हमारी ड्रमस्टिक हाफ कुक हो चुकी है और उसका कुकिंग प्रोसेस स्टॉप करने के लिए हम सारा पानी ड्रेन कर लेंगे और उसको हम चिल्ड वाटर जो हमने एक पतीले में किया था उसमें डिप करके रख देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि कुकिंग जो है हमारा ड्रमस्टिक का वो स्टॉप हो जाए और हाफ कुक ही रहे और उसका कलर भी मेंटेन रहेगा, ताकि उसका कलर ग्रीन ही रहेगा। तो जब भी आप फ्रीजर में से निकालेंगे तो उसका कलर हमेशा के लिए ही ग्रीन रहेगा। अब हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही ड्रेन होने देंगे ताकि सारा पानी निकल जाएगा। अब सारा पानी ड्रेन हो चुका है तो हम उसको एक न्यूज़पेपर में फैला देंगे, फैन के नीचे हम रख देंगे आधा घंटे के लिए, ताकि सारा पानी सूख जाए। हमें सारा मॉइस्चर नहीं सुखाना है, तो अच्छी तरह से नहीं सुखाने की ज़रूरत, सिर्फ बस थोड़ा सा ड्राई हो जाए, उसमें ड्राइनेस आ जाए ताकि वो स्टिकी ना बने, उसमें थोड़ा मॉइस्ट रहना चाहिए। अब हम इसको एक ज़िपलॉक बैग में अच्छी तरह से स्टोर कर लेंगे। अब ये सारी ड्रमस्टिक ड्राई हो चुकी है तो वो एक दूसरे के साथ चिपकेगे नहीं और अच्छे से रहेगी। तो क्या है, निकालते समय चिपचिपापन ड्रमस्टिक में नहीं रहेगा। अब अच्छी तरह से उसमें से एयर निकाल देंगे ताकि उसमें आइस क्रिस्टल्स ना बने, वरना क्या होगा कि एयर होगी तो आइस ज़्यादा बनेगी बैग में। तो आप ये ड्रमस्टिक स्टोर करके आप ऑफ सीजन में कभी भी यूज़ कर सकते हैं, सांभर में, सब्जी में या बॉयल करके भी खा सकते हैं। तो मैं इसी तरह अपने डीप फ्रीज में इसको फ्रीज करती हूँ। अगर आप चाहें तो आपका घर का जो फ्रीज होता है अपर पार्ट, उस फ्रीज़र में आप 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। आप कभी भी उसको निकालें और स्टोर करें और यूज़ करें। जब भी आपको यूज़ करने के लिए ना, तो आपको डायरेक्टली फ्रीज में से निकाल के गर्म पानी में 5 मिनट के लिए डुबा दे तो वो यूज़ करने के लिए तैयार होगी।